started our recording now. So the very first thing we have done is like covalent radius. In covalent radius, what is the definition of a covalent radius? Sir, aap 11:45 ko free ho. When? Today or tomorrow? वो दो एटम्स के न्यूक्लियस का डिस्टेंस होता है बीच का. हाँ, the distance between the Shaki is better you tell me about tomorrow. Right, at what time you will be free in tomorrow? Like that will be better. Because 11:45 doesn't make a sense. Sure. Anyways, ek kaam karte hain. The distance between, half of the distance between the nucleus of two atoms, right? That is our beloved what? Covalent radius. Covalent radius. Take care. Now understand. We have discussed certain thing about that. Ki agar suppose karo, maine hydrogen molecule liya. इसका जो कोवैलेंट रेडियस था वो इस कोवैलेंट बॉन्ड का हाफ होगा, बिकॉज़ डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस को ना हम कोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड लेंथ. ठीक है, अगर ये कोवैलेंट बॉन्ड लेंथ है तो उसका एग्जैक्टली आधा डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? कोवैलेंट रेडियस. अच्छा एक बात बताओ, नॉर्मल एटम का रेडियस ज्यादा होगा कि कोवैलेंट रेडियस ज्यादा होगा? अगर मैंने दो एटम्स के ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करवाया, ये था तुम्हारा ओवरलैप रीजन, ये ओवरलैप रीजन है. तो ओवरलैप होने की वजह से जो एग्जैक्टली आधा डिस्टेंस आया हमारे पास, ये वाला डिस्टेंस ज्यादा छोटा है या ये वाला डिस्टेंस ज्यादा छोटा रेडियस? फर्स्ट वाला छोटा है. तो कोवैलेंट रेडियस छोटा होगा क्योंकि ओवरलैप हो रहा है, राइट? यस सर. वेरी गुड, अंडरस्टूड? Yeah. Okay, आगे चलें. Yes, sir. Great. Now this is the covalent radius which we have discussed already. मैंने क्या कहा था कि HF का जो distance होगा वो तुम्हारा FF by 2 और HH by 2 नहीं होगा. ऐसा क्यों? Because there is some electronegativity difference between fluorine and hydrogen, जिसकी वजह से मेरे पास ionic character आएगा एक कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर, करेक्ट? यस सर. उसकी वजह से जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. तो वो एग्जैक्टली इसका आधा नहीं होगा, राइट? यस सर. वेरी गुड. नाउ अगर मेरे को किसी ने बोला हाउ टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, तो उसके लिए दो फॉर्मूले हैं, ठीक है? वन इज योर show me a formula. Other formula is given by Porterfield. The better formula is Porterfield, but Shoemaker dekh lo pehle kya hota hai. DHF is equal to DHH by 2 plus DFF by 2 minus 0.09 into मॉड में काई एफ माइनस काई एच. दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन. Which scale?
अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल. कौन सा स्केल यूज करते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए? हेलो सर. हाँ बेटा. मैं अभी पनवेल में लाइट गई तो अभी डिस्कनेक्ट हो गया था, आप स्टार्ट किए थे तो ये स्लाइड नहीं था पिछला स्लाइड. हेलो. हेलो सर. सर. हेलो. गया सर कनेक्ट. गाइस आवाज आ रही है? यस यस. हाँ, मैंने क्या कहा था कि जो HF का बॉन्ड लेंथ होगा वो तुम्हारा HH और FF का बॉन्ड लेंथ को मिलाने के बाद उससे थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि इसके अंदर आयोनिक कैरेक्टर आता है. तो उसको जस्टिफाई करने के लिए ना शूमेकर ने एक फॉर्मूला दिया, ये वाला. एंड पॉटरफील्ड ने इस थोड़े से फॉर्मूले को चेंज किया. उसने बोला जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो आधा डिस्टेंस हाइड्रोजन का होगा, आधा डिस्टेंस फ्लोरीन का होगा माइनस, क्योंकि थोड़ा बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, 0.07 लिया उसने. और उसने दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का स्क्वायर लिया. तो ये जो फॉर्मूला है ना, दैट इज गिवन बाय हुम? बात समझ में आई? विच इज मोर एक्यूरेट फॉर्मूला? ये वाला. किसी को ये वाला फॉर्मूला भी दिखेगा तो घबरा मत जाना, हम लोगों को ये वाला फॉर्मूला यूज करना है. गेटिंग इट? यस यस. ना जो डिस्टेंस होगा इन सारे बॉन्ड्स का वो हमें एंगस्ट्रॉम में लेना है. किसके अंदर लेना है? एंगस्ट्रॉम में. मुझे एक बात बताओ, HH का बॉन्ड लेंथ दे रखा है लेट से 100 1 एंगस्ट्रॉम. फ्लोरीन का जो बॉन्ड लेंथ दे रखा है लेट से 2 एंगस्ट्रॉम. तो वो पूछ रहा है कि यार ये कितना होगा. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल 4 होता है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल 2.1 होता है. तो तुम कैलकुलेट करके बताओ कि DHF का जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो कितना होगा. सर वो काई F4 है ना? काई F है माइनस काई H है. नो नो सर, दैट वैल्यू द 4 लिखा है ना? हां वो 4 है, वो 4 है. काई F 4 है. पॉटरफील्ड वाले फॉर्मूले से सॉल्व करें ना? हां पॉटरफील्ड ज्यादा बेटर है, तुम्हें पॉटरफील्ड यूज करना. ओके सर. सर पॉलिंग स्केल क्या है? पॉलिंग स्केल एक ऐसा स्केल है जिससे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स निकालते हैं, ठीक है? दैट इज अ पॉलिंग स्केल गिवन टू मी. ओके. लिख लिया? बताओ आंसर क्या है इसका. DHF इज इक्वल टू 1.2403 DFF बाय 2 माइनस 0.07 इंटू 1.9 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0.5 प्लस 1 माइनस 0.07 इंटू 1.9 होल स्क्वायर. ये कितना आया?
सर 0.02527 3 ले लो ना, राउंड ऑफ कर दो, ये आ जाएगा 1.5, तो कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1.4747 राइट सर? वो 1.5 कहाँ से है? इन दोनों को ऐड किया ना। अच्छा हाँ 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 ओके ओके तुम में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, किसी को कोई भी डाउट इस कॉन्सेप्ट के अंदर, कोई भी डाउट? नो सर। वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। नाउ लिसन सर, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। हाँ ओके, आगे चले। यस सर। ओके Now we have discussed about the covalent radius. Then after that, what do you have? Metallic radius. Sir, आप एक मिनट पिछला पेज दिखाओगे? हाँ बेटा, पिछला पेज देख लो, अच्छी तरह देखना। हाँ देख लिया सर, अच्छी तरह। अब सोच लो, देख लिया ढंग से? Okay. मेटालिक रेडियस, ए व्हाट इज मेटालिक रेडियस? मेटालिक रेडियस किसके लिए वैलिड होता है? मेटल्स। अरे वाह, मेटल्स क्या बनाते हैं? मेटालिक बॉन्ड। बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। जब मेटालिक बॉन्ड्स बनाएंगे तो कैसा बनेगा, कौन सा मॉडल अपने को पता? इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, सोडियम ले रहा हूँ ना, सोडियम मेटल, ताकि दिक्कत ना हो। It is very familiar to us. Sodium metal में outermost electron जाता है तो मेरे पास kernels आते हैं। Kernels के बीच में gap रहता है क्योंकि electrostatic repulsion रहेगा positive charge के बीच में। Kernels three dimension space में अपने आप को arrange करते हैं and जो electrons होते हैं they will surround the kernel as well as will get embedded inside the kernels, right? Yes, sir. It will appear as if the kernels are immersed in a sea of electrons. अब मेरी बात सुनो, ये कर्नल है, ये कर्नल है। मैंने क्या किया, एक्सरे डाला, इसके न्यूक्लियस से रिपेल हुआ, यहाँ से एक्सरे डाला, इसके न्यूक्लियस से रिपेल हुआ, यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट डाला, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। हाँ सर। Yes, sir. तो दोनों के डिस्टेंस का एग्जैक्टली आधा क्या होगा? मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस, दैट इज रेडियस व्हिच इज मेटालिक, गेटिंग इट? तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेटालिक रेडियस? मेटालिक रेडियस इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ द डिस्टेंस between the nucleus of two kernels which are present in distance between two kernels which are involved in metallic bonding. समझ में आया guys? Yes sir. तो metallic radius का definition अपने को पता लग गया, right? Yes sir. आगे चलें या लिख लिया? लिख लिया sir. सर एक मिनट यार, इसी तरह write down.
Guys, shall we move ahead now? Yes, sir. Yes, sir. Okay, great. अच्छा मेटालिक रेडियस नॉर्मल रेडियस से बड़ा रहेगा या छोटा रहेगा, जस्ट पूछ रहा हूँ। बड़ा बड़ा रहेगा। बिकॉज़ बीच में गैप रहेगा, बीच में गैप रहेगा, ठीक है। नाउ वैंडरवॉल रेडियस, गेटिंग इट। वैंडरवॉल रेडियस, वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है पहले तो ये बताओ। पता है कभी सुना है वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? कहाँ पे डिस्कनेक्ट हुआ सर? ने वंडरवॉल किसी भी कोवैलेंट मॉलिक्यूल में, फॉर एग्जाम्पल कोई भी कोवैलेंट मॉलिक्यूल ले लो, जैसे अपने पास बहुत सारे कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, योर मीथेन हो गया, इथेन हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, H2SO4 हो गया, ये क्या है? सारे ही कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स है ना? यस सर। हर एक कोवैलेंट मॉलिक्यूल के अंदर ना एक पर्टिकुलर फोर्स एग्जिस्ट करता है जिसको हम लंडन फोर्स बोलते हैं और वैंडरवॉल फोर्स बोलते हैं। Getting it? London forces क्या होते हैं? They are very weak dispersion forces. Sir, L A या London वाला? London, London, L O N D O N, London. अच्छा. ठीक है. And one more thing. Land नहीं है. ठीक है. तो एक और चीज. जहां पे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, चाहे वो कोवेलेंट मॉलिक्यूल हो, चाहे वो तुम्हारे नोबल गैस हो, जहां पे भी एटम के अंदर कुछ भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है ना, वहाँ पे ये पर्टिकुलर फोर्सेस रहते ही रहते हैं। नाउ इन फोर्सेस को समझने के लिए ना पहले तुम एक चीज समझ लो। मैंने क्या किया, एक मीथेन मॉलिक्यूल लिया। इस मीथेन मॉलिक्यूल के आसपास इस मीथेन का मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। सो मेरे पास एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है कि नहीं? हर एक मॉलिक्यूल के आसपास इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे ना, तो उस इलेक्ट्रॉन को ना इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोला जाता है। क्या? क्लाउड, क्लाउड, बादल, बादल ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। नाउ अंडरस्टैंड दैट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कहीं पे भी, चाहे वो एटम के अंदर हो, चाहे वो मॉलिक्यूल के अंदर हो, दे आर इन रैंडम मोशन, रैंडमली मूव करते ना। तो ऐसा हो सकता है ना कि अगर मैं कोई भी एटम लूं, चाहे आई विल टेक आर्गन, लेट्स से, तो आर्गन है, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Now understand that मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं आर्गन के अंदर, 1s के अंदर हैं, 2s के अंदर हैं, 2p के अंदर हैं, तो there are a lot of electrons inside an argon mole, argon atom जो मूव कर रहे हैं, ठीक है। Now understand that because of the random motion of electron randomly move कर रहे हैं, तो ऐसा possible है ना किसी भी instance के अंदर argon में एक side पे बहुत सारे electron आ जाएं? होएगा। Yes sir। Possible है ना जब random motion है तो? इस बहुत सारे electron जब एक side पे आ जाएंगे, इसका picture कैसा दिखेगा? तुमको ऐसा दिखेगा ये argon है और ये जो इलेक्ट्रॉन है ना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट कर गए, तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कोई डाउट ना? तो इस रिप्रेजेंटेशन का एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ये है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बढ़ गया। जब इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ गए, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। और इस जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव। पता है क्या,
जब डेल्टा नेगेटिव चार्ज और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज दो अपोजिट चार्जेस अपने से कुछ डिस्टेंस पे सेपरेट होते हैं तो इस पर्टिकुलर चीज को ना डायपोल मोमेंट बोलते हैं, और डायपोल बोलते हैं क्या बोलते हैं? डायपोल। डायपोल का मतलब एक और दो, दो पोल्स सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। डायपोल मोमेंट की स्ट्रेंथ को ना डिसाइड करता है डायपोल मोमेंट। डायपोल की स्ट्रेंथ को डिफाइन करने के लिए डायपोल मोमेंट यूज होता है, जिसका फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। गेटिंग इट? तो कभी भी कोई भी रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट हो गए, उसकी वजह से एक पर्टिकुलर साइड नेगेटिव चार्ज हो गया, एक पर्टिकुलर साइड पॉजिटिव चार्ज हो गया, एंड जब नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस होगा उसको हम डायपोल बोलते हैं, और उस डायपोल का जो स्ट्रेंथ आता है दैट इज गिवन बाय डायपोल मोमेंट। हैव आई मेड माय पॉइंट क्लियर? अब अंडरस्टैंड दैट डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ डिनोट होती है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल। गेटिंग इट? यस सर। सर रिपीट करोगे? क्या बोलना बता, क्या रिपीट करना? सर डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट का डेफिनेशन है ना वो है चार्ज इनटू सेपरेशन। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा डायपोल मोमेंट, जितना ज्यादा सेपरेशन होगा उतना ज्यादा डायपोल मोमेंट, एंड जितना ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा उतना ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। गेटिंग इट? अच्छा एक बात बता। हेलो सर, डायपोल मोमेंट मतलब है क्या? डायपोल मोमेंट एक मेथड है जिससे डायपोल का जो अट्रैक्शन का स्ट्रेंथ है ना वो हमको पता लगता है। ठीक है? यस सर। चलो अब मेरी बात सुनो। मेरे पास अभी ये मॉलिक्यूल आ गया, अब मुझे पता लग गया कि एक आर्गन के अंदर ना यहाँ पे डायपोल मोमेंट जनरेट हो गए। इन डायपोल मोमेंट को परमानेंट बोलूंगा कि इंस्टेंटेनियस डायपोल मोमेंट बोलूंगा? इंस्टेंटेनियस डायपोल मोमेंट। नाउ एक बात बताओ, आर्गन के अंदर जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो नेगेटिव चार्ज आ गया, ये नेगेटिव चार्ज दूसरे आर्गन के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। और अगर वो करेगा तो यहाँ पे अगर रिपल्शन है तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? डेल्टा पॉजिटिव। और यहाँ पे क्या आएगा? डेल्टा नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? डेल्टा नेगेटिव। और यहाँ क्या आएगा? पॉजिटिव। ये जो डेल्टा नेगेटिव चार्ज इसका, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इसका, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेगा। इसको लंदन फोर्स बोलते हैं। समझ में आई बात? यस। ये हर एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल के अंदर, नोबल गैस के अंदर, हर एक जगह पे लंदन फोर्स एग्जिस्ट करते हैं, बिकॉज हर एक एटम और हर एक मॉलिक्यूल में तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो रैंडमली मूव कर सकता है। गेटिंग इट? यस सर। सर उसके बीच में बॉन्डिंग के फोर्स को लंदन फोर्स बोलेंगे? उसके बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है ना, अट्रैक्शन हो गया, वो लंदन फोर्स है। अच्छा ठीक है। Done? सर जितना ज्यादा चार्ज रहेगा उतना ज्यादा डायपोल मोमेंट रहेगा, जितना ज्यादा सेपरेशन रहेगा उतना ज्यादा डायपोल मोमेंट रहेगा। गेटिंग इट? ओके सर। नाउ अंडरस्टैंड, अगर मेरे को लंदन फोर्स का डेफिनेशन लिखना है तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लंदन फोर्स? इट इज द फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Between the instantaneous dipoles which get generated
in an atom slash molecule due to random shift of electron. London force ka definition hai. हाँ, in a particular direction. सर तो ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द इंस्टेंटेनियस डायपोल मूवमेंट विच इज जनरेटेड इनसाइड द एटम और अ मॉलिक्यूल ड्यू टू रैंडम शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. आप बेटा बोल. सर मैं बोल रहा था ये तो एक इंस्टेंट के लिए रहेगा ना. अच्छा एक बात बता, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था. पता है मेरा क्वेश्चन क्या था कि अगर मैं हीलियम लूं या आर्गन लूं चाहे मैं कोई भी नोबल गैस लूं राइट, सबके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना. यस सर. समझना इस चीज को. मैं चाहता हूं ना हर एक बंदा और हर एक स्टूडेंट हियर शुड एक्चुअली इन्वॉल्व इन इट राइट नाउ. हर एक एटम के अंदर रैंडम शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा राइट. यस सर. क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा कि चेंज होता रहेगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं बार बार अट्रैक्शन. अरे हीलियम के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं राइट. यस सर. तो मैं ये पूछ रहा हूँ क्या हीलियम एटम के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो हीलियम एटम के बीच में और हीलियम गैस के अंदर क्या वो डायपोल मोमेंट की वजह से चेंज होता रहेगा कि फिक्स रहेगा. चेंज होता रहेगा. वेरी गुड. अब सबको ना यही लगता है कि चेंज होता है. अगर मैं एक स्टेटमेंट बोलूं एवरी सिस्टम वांट्स टू अटेन अ पर्टिकुलर स्टेट इन विच इट विल लूज मैक्सिमम एनर्जी एंड इट बिकम्स स्टेबल. अगर मैं ये बोलूं बात समझ में आ रही है. तो हर कोई सिस्टम एक ऐसा पॉइंट अचीव करना चाहेगा जहां पे वो हर एक एटम को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा हो. अरे कोई भी प्रोसेस के अंदर दैट सिस्टम वांट टू अटेन स्टेबिलिटी एवरी टाइम ना. यस सर. तो कोई भी सिस्टम है हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा. अट्रैक्शन से स्टेबिलिटी आती है कि रिपल्शन से स्टेबिलिटी आती है. अट्रैक्शन. दो हीलियम एटम को ऑप्शन दिया जाए कि तुम कम अट्रैक्ट करो और तुम मैक्सिमम पॉसिबल अट्रैक्ट करो जो तुम्हारे बस की है तो वो क्या करेगा. मैक्सिमम. तो हर एक गैस सैंपल के अंदर जो अट्रैक्शन रहेगा वो हमेशा मैक्सिमम पॉसिबल अट्रैक्शन रहेगा. हाँ या ना. यस सर. यस सर. हाँ मैं जानता हूँ कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है इलेक्ट्रॉन बार बार शिफ्ट हो रहे हैं बट क्या मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स चेंज होगा क्या. नो सर. मेरी बात समझ में आ रही है तुमको मैं क्या कह रहा हूँ. मैं मानता हूँ कि गैस सैंपल के अंदर डायपोल की डायरेक्शन चेंज होगी. क्या मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन चेंज होगा क्या या वो हमेशा एक मैक्सिमम पॉसिबल स्टेबल कंडीशन में एग्जिस्ट करना पसंद करेगा. सर पर चेंज हो रहा है डायपोल तो फोर्स चेंज. डायपोल का डायरेक्शन चेंज हो रहा है. मैंने क्या बोला इलेक्ट्रॉन कभी इस डायरेक्शन में कभी उस डायरेक्शन में हो रहा है. आई एम नॉट सेइंग इट विल नॉट हैपन इट विल हैपन बट यार बट सर मैग्नीट्यूड सेम रहेगा. हर पॉइंट पे जो अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा कि अलग अलग होगा. सेम होगा. तभी तभी हीलियम गैस एटम का ना है हीलियम गैस का ना एक पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट और एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट होता है पता है. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज कर रहे होते तो क्या एक पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पॉसिबल था क्या. तुम तो बोलते नहीं 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 ये फोर्स चेंज हो रहा है तो हमेशा अट्रैक्शन कम हो रहा है बढ़ रहा है तो क्या एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आता क्या मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का. नहीं आता. बट हीलियम का आर्गन का नियॉन का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर वो फिक्स है. इसका क्या मतलब निकला. फोर्स भी फिक्स.
इसका ये मतलब निकला जो उनके अंदर अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन क्या है ऑलवेज कांस्टेंट आसमान में सबको यस सर ये सब लिख लिया तुम लोगों ने बहुत सारे एक मिनट यस सर तो इस लेसन के ऊपर क्वेश्चन का पीडीएफ भेजो हाँ प्रियांशु आई सेंड इट टुडे ठीक है गाइस लिख लिया इस तरफ हाँ सर ओके ना मुझे वैंडरवॉल रेडियस का डेफिनेशन लिखना है वैंडरवॉल फोर्स समझ में आया ना फैक्टर्स अफेक्टिंग वैंडरवॉल फोर्स primary factor temperature हाँ temperature constant रखते हैं अभी भी study करते हो तो temperature बढ़ा होगा तो कोई भी force of attraction कम होगा right atomic radius primary yes. factor पहला आता है mass तो मैं लिख सकता हूँ ना greater the mass greater will be attraction इलेक्ट्रॉन क्लाउड ग्रेटर विल बी शिफ्टिंग ग्रेटर विल बी डायपोल मोमेंट ग्रेटर विल बी अट्रैक्शन कोई डाउट मास ज्यादा होगा ग्रेटर विल बी अट्रैक्शन हाँ जी जितना मास ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड उतना बढ़ेगा जितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जितना ज्यादा पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट होगा उतना ही चार्जेस बढ़ेंगे उतना ही अट्रैक्शन बढ़ेगा ओके या ओम एक ही है डन तो एक बात बताओ अगर इतना no, sir, wait. मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन कुछ दिख रहा है समझ में आ रहा है इसको देख के क्या है इसको क्या बोला जाता है एल्केन्स एल्केन्स दे आर होमोलोगस सीरीज राइट कैसी बात है सर लोगस सीरीज जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में सी एच टू ग्रुप से डिफर कर रहे हो तो नीचे जाओगे तो डिफरेंस कितना आ रहा है सी एच टू का ही आ रहा है ना यस सर तो उसको होमोलोगस सीरीज बोलते हैं क्या बोलते हैं यस सर होमोलोगस सीरीज बोलते हैं गेटिंग अ पॉइंट नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग जब मास बढ़ रहा है नीचे जाने पे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ेगा वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा बढ़ेगा बढ़ेगा अगर वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा बढ़ेगा तभी बताए क्या ये चार गैस होते हैं ये सडनली लिक्विड हो जाता है क्या हो जाता है लिक्विड गेटिंग इट अगर इतना समझ में आया मेरे पास HCl है HBr है और HI है मेरे पास H2S है सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम मेरे पास फ्लोरीन है क्लोरीन है ब्रोमीन है और आयोडीन है तो ये क्या बताओ मास बढ़ रहा है कम हो रहा है मास बढ़ रहा है कम हो रहा है मास बढ़ रहा है कम हो रहा है क्या हो रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है क्या मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बढ़ेगा और यहाँ पे भी बढ़ेगा तभी पता है क्या
फ्लोरीन क्लोरीन दोनों गैस होते हैं, ब्रोमीन तुम लोगों को पता है क्या होता है? लिक्विड लिक्विड अपना आयोडीन सॉलिड। मास बढ़ रहा है और मास बढ़ने की वजह से अट्रैक्शन बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ेगा मॉलिक्यूल और पास आएंगे तो वो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड बनेगा। एग्रीड एग्रीड। हेलो सर। हाँ मेरे लाल बोल ना बेटा। सर ये मास का नहीं समझा, आपने बोला ना कि मास बढ़ेगा तो ये सब बढ़ेंगे कैसे? इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा 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 ना। अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ेगा तो रैंडम शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। अगर वो बढ़ेगा तो इंस्टेंटेनियस डेवलपमेंट बढ़ेंगे ही कम होंगे? बढ़ेगा। हाँ बढ़ेगा। तो लंदन फोर्सेस बढ़ेंगे कम होंगे? हाँ सब बढ़ेगा। सब बढ़ेगा ना, तो ये उसी के एग्जांपल्स हैं। हाँ सर समझा, थैंक यू सर। ठीक है। यस सर थैंक यू सर। आदित्य आइसोटोप में जो थोड़ा भारी वाला आइसोटोप है ना वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है। ठीक है सर, पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो सेम ही होगा। वेरी गुड। उसके अंदर ना एक और फैक्टर काम करेगा, अभी नहीं बात करेंगे उसके बारे में। आइसोटोपिक इफेक्ट पढ़ाया था तुमको पहली क्लास में? यस सर। एटॉमिक मैंने बताया था काइनेटिक एनर्जी कम, काइनेटिक एनर्जी भारी एटम की कम होती है, अट्रैक्शन बढ़ जाता है। कुछ तो yes, याद होगा राइट? तो आइसोटोप में मास बढ़ता है ना तो वो वाला आइसोटोपिक इफेक्ट काम आ जाता है ना? यस सर समझा। हाँ बढ़िया। ए डन लिख लिया ये? यस सर। यस सर। सेकेंडरी फैक्टर इफ if mass is same then the dipole moment or the London forces depends on surface area. जिसका ज्यादा सरफेस एरिया होगा उसका ज्यादा लंदन फोर्स होगा। अर्नब greater surface area larger will be separation है ना? अगर मास सेम है, एक मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया इतना है दूसरे का ज्यादा है तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज कम डिस्टेंस से सेपरेट होंगे। यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और डेल्टा नेगेटिव चार्ज ज्यादा डिस्टेंस से सेपरेट होंगे। यस सर। जब डिस्टेंस ज्यादा होगा तो डायपोल मूवमेंट क्या होगा? ज्यादा होगा। बढ़ेगा। ज्यादा होगा तो डायपोल मूवमेंट ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन लंदन फोर्स ज्यादा होगा। हाँ।
डन। अब एक काम करो, एक मिनट सर, सर वेट अ मिनट। हाँ बेटा, माय गॉड, आई विल जस्ट ड्रिंक वाटर एंड कम राइट। या अब एक बात बताओ, देख समझो इस चीज को, आइसोमर्स लेते हैं ना। आइसोमर्स ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनका मास सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट बॉन्डिंग अलग होती है। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर, मतलब हाँ स्ट्रक्चर आइसोमर्स ले लो, ठीक है, पेंटेन ले लो, आइसोपेंटेन ले लो और नियोपेंटेन ले लो। मेरी आदत नहीं है हाइड्रोजन लिखने की, बट तुमको पता है अगर कार्बन एक ही बॉन्ड बना रहा है तो तीन हाइड्रोजन ही आओगे, बिकॉज़ टोटल बॉन्ड कितने हैं, चार। सो प्राउड ऑफ यू। तो ये पेंटेन है, ये आइसोपेंटेन है, नियोपेंटेन। हाँ वो नियोपेंटेन है सर। हाँ ये जो आइसोमर्स है वो नेचुरली फॉर्म होता है या फिर बनाए जाते हैं? नेचुरली फॉर्म होते, बना भी सकते हैं, तुम्हारे ऊपर है ना। आइसोमर्स वो मॉलिक्यूल है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। हम वेंडरवॉल्स रेडियस कर रहे थे, ये क्या कर रहे हैं हम? हाँ ये बात भी तो ठीक है, सुन लो, हम वैंडरवॉल फोर्स कर रहे हैं अभी, है ना। तो वैंडरवॉल फोर्स में दूसरा फैक्टर आता है सरफेस एरिया। क्या आता है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बात बताओ, जब मास सबका सेम है और ब्रांचिंग बढ़ रही है, पता है क्या, इफ ब्रांचिंग इंक्रीजेस सरफेस एरिया इंक्रीज, मॉलिक्यूल टेंड्स टू बिकम मोर स्फेरिकल। जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा उतना ज्यादा मॉलिक्यूल स्फेरिकल होगा, और स्फीयर इज द ज्योमेट्रिकल फिगर जिसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा सबसे कम होता है, कम होता है, मिनिमम वॉल्यूम सबसे ज्यादा। हाँ वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है, तभी तो अर्थ राउंड है। क्यों 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 हूँ तो बोल दिया, अर्थ राउंड क्यों? ग्रेविटी सब जगह ना 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 नहीं नहीं ना ना और कुछ पता ना, जब अर्थ बना भगवान ने वैसे बनाई है अभी राउंड, तो क्या कर सकते बाबा। मैं क्या कह रहा हूँ, जब सरफेस जब अर्थ बना था तो मोल्टन था कि नहीं था? यस एवरीथिंग वाज मोल्टन राइट, और तुम यस सर अभी भी है। और उसका सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो वो अनस्टेबल होता है कि स्टेबल होता है? अनस्टेबल अनस्टेबल होता है, सरफेस एरिया बढ़ाने से ना सरफेस टेंशन बढ़ता है तो अनस्टेबल होता है। तो नेचर ने अपने आप को इस तरीके से अडॉप्ट किया कि जो अर्थ है टू डिक्रीज दैट अनस्टेबिलिटी, वो उसने अपने आप को स्फेरिकल शेप दिया ताकि जो लिक्विड है सरफेस पर उसका जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाए, ताकि सरफेस टेंशन कम हो जाए, स्टेबिलिटी बढ़ जाए। हाँ तभी वो जो सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड ड्रॉप, जो मर्क्यूरी का जो ड्रॉप होता है वो हमेशा स्फेरिकल रहता है। हाँ सर, हाँ सर।
है ना। हम पानी के पानी के ड्रम को भी हम याद आ गया सर, याद आ गया, चलो आगे चलते हैं। अब बताओ सरफेस एरिया क्या हो रहा है, जब ब्रांचिंग बढ़ रही है तो सरफेस एरिया क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल ज्यादा स्फेरिकल होगा ना। हाँ 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 तो सरफेस एरिया कम होगा, डिक्रीज। तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, बढ़ेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, दोबारा पढ़ना जरा। कम होगा ना, सॉरी कम होगा। हाँ बहुत बढ़िया, डिक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। तो तुम लोगों को पता लग गया ना कि लंडन फोर्सेस होते क्या। पता लग गया ना कि लंडन फोर्सेस क्या होते हैं। आगे चले, हाँ आगे चले। सब लिख लिया ये? नो सर। लिख लो। तब हमको लंडन फोर्स पता लग गया, वैन डर वाल रेडियस कर सकते हैं, ठीक है। या तुम खुद सोचो, इस लंडन फोर्स की वजह से तुमने तीन या चार क्वेश्चन सीख लिए, जो अगर गलती से केईपीवाई में आ गए तो तुम कर लोगे। कैसे से लोग हो यार? सर दोनों सेम ही है ना, वैन डर वाल और लंडन। हाँ, वैन डर वाल एक्चुअली सुपर सेट होता है, लंडन इज अ पार्ट ऑफ टाइप ऑफ वैन डर वाल फोर्स। आगे जाके केमिकल बॉन्डिंग में समझ में आ जाएगा तुमको, ठीक है। Okay, बट अभी ये समझ लो कि लंडन फोर्स क्या क्या होता है, क्या क्या करता है। मेजर फोर्सेस आर लंडन, तो वही वाला वंडर वॉल है। कौन सा वंडर वॉल? हाँ वही वाला वंडर वॉल है। हो गया सर, हो गया। गाइस आगे चलें अभी। यस सर। ओके ग्रेट। Now, van der Waal radii definition. जो भी दो noble gases हैं, for example helium, दूसरा helium, ये आपस में attract करेंगे with the help of London force. तो जब इन गैस को पार्टिकल्स को बीच में लेके पास में लेके आओगे, दे स्टार्टेड अट्रैक्टिंग ईच अदर एंड कम्स इनटू अ लिक्विड स्टेट। उस स्टेट में तुमने क्या किया, यहाँ पे एक्सरेज डाला, यहाँ पे एक्सरेज डाला, इन पे जो इनके बीच में जो डिस्टेंस आया, एग्जैक्टली हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस विल बिकम वैन डर वाल रेडियस। अंडरस्टूड? यस। तो वैन डर वाल रेडियस इज डिफाइंड एज व्हाट? As the half of the distance between the nucleus of two atoms attracting each other attracting each other by London force. Got it? Yes, sir. So proud of you. आगे चलें? Yes, sir. Now understand one thing. अगर suppose करो क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल दूसरे क्लोरीन मॉलिक्यूल को आपस में अट्रैक्ट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ लंडन फोर्स, तो ये जो डिस्टेंस है इसका आधा वैन डर वाल रेडियस होगा, इस डिस्टेंस का आधा कोवेलेंट रेडियस होगा। तो वैन डर वाल रेडियस बड़ा है कि कोवेलेंट रेडियस बड़ा है?
क्यों? बिकॉज ये जो अट्रैक्शन है वो क्या होती है, बहुत ही वीक वीक होती है. अंडरस्टूड सर? यस सर. कौन सा वीक होता है? वंडरवॉल. वंडरवॉल रेडियस तो सिर्फ नोबल गैस के लिए होता है ना, तो सीएल के लिए कैसे होगा? अरे किसी के लिए भी हो सकता है, बट हम जब रेडियस ऑफ एटम्स की बात करते हैं ना, देन वी कम फॉर वी यूज वंडरवॉल रेडियस ओनली फॉर नोबल गैसेस. क्लोरीन के लिए मेरे पास कोवेलेंट रेडियस अवेलेबल है, विच इज मोर एक्यूरेट देंगे. बट ऐसा नहीं है कि क्लोरीन के लिए वंडरवॉल रेडियस डिफाइन नहीं होता. हाँ, क्लोरीन के लिए हम जो कोट करते हैं दैट इज कोवेलेंट रेडियस, बट वंडरवॉल रेडियस भी तो एग्जिस्ट करेगा ही ना. वो चीज है कि तुम कौन सी चीज फॉलो कर रहे हो. अब क्लोरीन कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा तो कोवेलेंट रेडियस कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने. जो चीज नहीं कुछ बना रही उसके लिए वंडरवॉल आ गया है ना. यस सर. वंडरवॉल इज द लास्ट ऑप्शन फॉर मी. यस आगे चले. यस सर. वेरी गुड. यस सर. Now, ionic radius. ए तुमको पता है ना ionic bonds क्या होते हैं? जब सोडियम है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 है, और अगर क्लोरीन लिया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p5, है ना. तो सोडियम क्या करता है, अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूज करता है टू फॉर्म Na+. एक इलेक्ट्रॉन देता है. Na+ का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है दैट इज लाइक 1s2, 2s2, 2p6. ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन आराम से अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से तुम्हारे पास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 आता है. कोई डाउट? दोनों बदतमीजों ने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन देने के बाद ऑक्टेट अचीव किया, इसने इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन अचीव करी, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जिसको कहते हैं. गेटिंग इट? यस सर. कैटायन और एनायन आपस में अट्रैक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. And that bonds are known as ionic bonds. Electrostatic force of attraction. Is known as electrostatic. Ionic/electrovalent bond. दिस मस्ट बी द मोस्ट एक्यूरेट वन. नहीं हो, ये तो ऐसे एड ऑन फीचर है. ए अब कैटायन ले लो, ठीक है. आयोनिक रेडियस को कैसे डिफाइन करोगे? पॉजिटिव चार्ज, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ Na+. ये Na+ का है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा, तो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ आयॉन्स दैट इज कैटायन और एनायन इज नोन एज आयोनिक रेडिया. बच्चे पूछते हैं कि सर कैसे कैसे, आपने मुझे बोला था कि हाइजेनबर्ग कहता है कि पॉसिबल ही नहीं है, तो ऐसे कैसे? यार एक बात बताओ, मैंने NaCl बनाया, सपोज ये Na+ है और ये Cl- है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, हाँ Na+ Cl- दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं,
लेट्स से के प्लस बनाया और सीएल माइनस बनाया, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, कोई सेपरेशन नहीं। तुमने लेट्स से एन ए प्लस बनाया और लेट्स से बी आर माइनस बनाया, दोबारा से तुमने एन ए प्लस बनाया के सॉरी के प्लस बनाया और बी आर माइनस बनाया। तो एक बात बताओ, तुम्हें पता लग गया ना ये डिस्टेंस कितना है? यस, पता लग गया ना। एक बात बताओ, यहाँ पे R of Na plus plus R of Cl minus is X. यहाँ पे R of K plus plus R of Cl minus is Y. इधर R of Na plus plus R of Br minus is Z. And R of K plus plus R of Br minus is let's say W. तो हमारे पास चार इक्वेशन है, चार वेरिएबल है। तुम Na plus Cl minus का रेडियस, Na plus का रेडियस नहीं निकाल सकते क्या? अरे मैथमेटिक्स सॉल्व कर सकते, मैथ सॉल्व कर सकते हो ना, चार इक्वेशन चार वेरिएबल, तो एन ए प्लस के प्लस का आ जाएगा डिस्टेंस, है ना। तो सब इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुम्हारे पास इवेंचुअली एन ए प्लस और के प्लस का क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा? तो सी एल माइनस और बी आर माइनस का भी निकाल सकते हो। हाँ, सबका निकाल सकते हो। मैंने क्या कहा, तुम सबका निकाल सकते हो, गेटिंग इट? सो यू कैन सर वो कहाँ गया, ग्रीन बोर्ड निकाल दिया उसको, उसको समझाने के लिए लिखा था, टेपना नहीं उसको। ओके ठीक है, ये ना? हाँ सर। हाँ, इज दिस ओके? अंडरस्टूड ना? चार इक्वेशन चार वेरिएबल, ऐसे करके हम आयोनिक रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, गेटिंग इट? अच्छा सर, मतलब हमेशा ऐसा ही होगा। हाँ, तो अब मेरी बात सुनो, फर्क क्या होता है और कैसे फर्क? और एक बार दिखाओ ना वो ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर वाला दिखाओ। देख ये क्या हो गया, ये कहां से आया भाई? ठीक है सर, हो गया, थैंक यू। बड़े यार, अच्छा अंडरस्टूड, आगे चलें सर। अब मेरी बात सुनो, अगर कोई तुमसे पूछे कि अगर कोई भी एटम कैटियन बनाता तो कैटियन का जो रेडियस होता है आयोनिक रेडियस और नॉर्मल एटम के रेडियस में क्या फर्क होता, तुम खुद सोचो। एनए का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो 1s2 है, 2s2 है, 2p6 है, 3s1 है। तो इसके पास पहला शेल है, दूसरा शेल है एंड तीसरा शेल है, कोई डाउट? नो सर। वेरी गुड, सुनो अभी Na प्लस बनाएगा तो इसने आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। yes, तो बचा कौन सा शेल? पहला शेल, छोटा शेल, गेटिंग इट? पहले 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे, गेटिंग अ पॉइंट? अब 11 प्रोटॉन सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अट्रैक्शन पर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। हाँ, 11 पॉजिटिव चार्ज 11 नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मान सकते हो एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। अब 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो पर इलेक्ट्रॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस, राइट? अट्रैक्शन इंक्रीजेस। यस सर, अगर अट्रैक्शन बढ़ती तो साइज कम होगी, डिक्रीज। सोचो ना, कैटायन रेडियस और कैटायन साइज इज स्मॉलर देन एटम। यस, क्योंकि देयर इज अ लॉस ऑफ आउटर मोस्ट शेल, उसके ऊपर भी
attraction per electron increases. Per electron further increases, right? मतलब सोचा जाए तो जो साइज होगा कैटायन को तो बहुत छोटा हो जाएगा एटम से. हाँ सर. गेटिंग इट? और अगर मैं एनायन की बात करूं, फॉर एग्जांपल क्लोरीन, क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, Cl- बन गया. अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, पहले 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे, अब 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अट्रैक्शन पर इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? बढ़ेगा. सोचो ना, यहाँ पे अट्रैक्शन बढ़ गया तो साइज और छोटा होगा, यहाँ पे अट्रैक्शन कम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा और दूर जाएंगे. तो is bigger than sir anion matlab gain kiya na. ha negative charge species ko anion bolte hain. gain kiya electron to electron badh gaya, proton to utne hi hai. attraction par electron kya hoga? डिक्रीज. और साइज क्या होगा जब अट्रैक्शन? इंक्रीज होगा. इंक्रीज होगा. एक काम करते हैं, तुमको एक एग्जांपल दिखाई देते हैं रियल सिनेरियो में, तुम लिख लो जितना अभी तक लिखा हुआ है. तो साइज डिक्रीज होगा ना, बढ़ेगा ना बेटा? अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हल्का कम अट्रैक्ट होगा तो दूर जाएगा कि पास आएगा? पास आएगा. अरे क्या कह रहा है, जब मैं अट्रैक्शन कर रहा हूँ तो दूर जाएगा कि पास आएगा? सर दूर जाएगा. समझा सर? सर अट्रैक्शन पर इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज ना. हाँ. ओम कितना स्क्रॉल अप करना भाई? सर टॉप पे. हाँ ऊपर आयोनिक वाला जो हेडिंग था, आयोनिक वाला हेडिंग था वहां से. बता देना स्क्रॉल डाउन के लिए, मुझे को तुमको कुछ और भी दिखाने का है. एक बुक भेजूंगा आज ग्रुप में, ढंग से पढ़ लेना, काफी अच्छी अच्छी चीजें भी पता लगेंगी. इनऑर्गेनिक का थियोरी वाला? हाँ थियोरी वाला. सर वो पहले भी भेजा था? भेजा तो उसमें से सॉल्व करो ना पीरियोडिक टेबल, क्लासिफिकेशन खत्म कर लो उसमें से. क्लासिफिकेशन के लास्ट के क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं. तो लास्ट के अंदर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, ऑब्जेक्टिव भी है, जेई के भी है, नीट के भी है. तो थर्ड चैप्टर, सेकंड चैप्टर खत्म करना तुमको उस बुक में से. सर आप एक बार रीसेंड करोगे वो बहुत सारे कर देता हूँ आज, दोबारा कर देता हूँ. ठीक है, होमवर्क ग्रुप में करूंगा. ओके सर. यस सर. ठीक है. सर सीए में जितना ही एटॉमिक स्ट्रक्चर एटॉमिक साइज तक आएगा, जितना आज किया है ना उतना ही आएगा. तो नेक्स्ट क्लास में आधा घंटा और लगेगा इसको, तो हो जाएगा. न्यूक्लियर चार्ज, एक मिनट बेटा, गिव मी अ मिनट. ओके बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में. अभी कल है, कब है हमारी नेक्स्ट क्लास? कल है परसों? कल है ना. कल तक जितना करेंगे उतना आएगा. हाँ सुनो, देखो जरा इसको कहाँ गया. या गाइस लिख लिया,
यस सर नाउ लिसन जस्ट हैव अ लुक ओवर इट ताकि अच्छा लगे देख के तुमको आयोनिक रेडिया ऑफ कैटायन जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं उतना साइज क्या हो रहा है घट रहा है अब लिथियम का साइज देखो एटॉमिक रेडियस लिथियम का कितना 1.34 Li प्लस का कितना हो गया 0.72 मतलब अप्रोक्सीमेटली आधा यस सर Na प्लस Na का कितना है 1.54 तो इसका कितना हो गया 2/3 यस सर पोटेशियम का कितना है 2.0 इसका कितना है 2/4 हो गया समझ रहे हो मतलब देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 0.5 टाइम मतलब 0.5 एंगस्ट्रॉम कम हो रहा है हर जगह यस एंड अप्रोक्सीमेटली नॉट एग्जैक्टली बट अप्रोक्सीमेटली राइट सर एटॉमिक रेडिया कैसे मालूम चला ये मेटालिक रेडिया निकाला ना बेटा यस सर Getting it? और सोचो इसमें एक और ऑब्जर्वेशन देख लो मैग्नीशियम और सोडियम ऑब्वियसली सोडियम बहुत बड़ा है राइट सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो साइज कितना आया ठीक है सोचो अभी देखना फील आएगी तुमको कि क्या होता है मैग्नीशियम ने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए तो मैग्नीशियम का जो साइज है लिथियम के साइज से भी क्या हो गया इलेक्ट्रॉन कितना खतरनाक बढ़ रहा होगा सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकालने से इतना फर्क पड़ता है हाँ इतना फर्क पड़ता है तभी तो दिखा रहा हूँ मैं तेरे को मतलब मुझको शौक है दिखाने का डेटा सर ट्रांजिशन सीरीज में क्या होता होगा +6 +7 बहुत ज्यादा वेरिएशन आता है उसमें ए गाइस समझ में आया इतना सर ये नीचे 4 4 4 ये सब अब नीचे देख लो आयन क्या ये उधर आपने सर्कल कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा उसको छोड़ो अभी नहीं करना बाद में करेंगे ठीक है अभी सुनो फ्लोरीन का आयोनिक एटॉमिक रेडियस देखो इनका ठीक है फ्लोरीन का 0.7 है अगर मैं फ्लोराइड की बात करूं तो कितना हो गया मतलब 0.7 से कितना आ गया 1.1 बढ़ गया बढ़ गया बढ़ेगा ना ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा तो यस राइट क्लोरीन का सीएल माइनस का 1.67 है उसका कितना है 0.99 तो जो एनियन होगा उसका साइज बढ़ेगा गेटिंग इट यस सर समझ में आया यस सर वेरी गुड यहाँ N3 माइनस है साइज कितना है 1.3 तो उधर देखो कितना पंचनफा गेटिंग इट जितना ज्यादा चार्ज बढ़ेगा उतना ज्यादा साइज बढ़ेगा गेटिंग इट जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूँ उसके अंदर उतना साइज बढ़ रहा है सर ये हैलोजेंस के रूप में हो रहा है हाँ कहाँ गया नीचे सर अरे वो ठीक है कुछ और देख रहा हूँ ये वाला सेंड करो सर अरे मैं बेटा पूरी बुक तुमको सेंड कर रखी है ना मैंने पूरी बुक सेंड करके रखी है अब देखो ना इन सबके पास सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं 10 और प्रोटॉन्स देखो प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं हाँ जितने ज्यादा प्रोटॉन बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन उतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा हाँ साइज उतना पड़ेगा निकल होगा ये देखो नहीं। कितना कितना कम हो रहा है गेटिंग इट वेरी गुड समझ में आई बात N3 माइनस का साइज देखो कितना है 1.32 अच्छा नियॉन का साइज देखो जो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है 1.6
हाँ, नियॉन का साइज N3 माइनस से बड़ा क्यों है, कोई बता सकता? इलेक्ट्रॉन नियॉन नोबल गैस है। एग्जैक्टली इसका ये वैंडरवॉल रेडियस है। वैंडरवॉल रेडियस अनयूजुअली बड़ा होगा कि नहीं होगा? हाँ सर बड़ा होगा। तरीका है क्या मेरे पास रेडियस कैलकुलेट करने का? नो सर नहीं। और ये आयोनिक है, आयोनिक इंटरेक्शन फिर भी स्ट्रॉन्गर होती है वैंडरवॉल से। तो वैंडरवॉल में तो एटम बहुत ही दूर होता है, राइट? हाँ सर। इसका साइज बड़ा किस लिए? क्योंकि इसके लिए वैंडरवॉल रेडियस डिफाइन करता है। गेटिंग इट? यस यस सर। आगे चले। मैंने सेंड कर रखा है तुमको, दोबारा सेंड कर दूंगा, ये चैप्टर 3 में आएगा, ठीक है? अगर तुमको कोई भी डेटा का रेफरेंस लेना तो तुम इस बुक को यूज कर सकते हो। ये बुक सिर्फ डेटा रेफरेंस और क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए है और कुछ नहीं। गेटेंगे? ओके सर। ओके गाइस, अंडरस्टैंड? नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग हियर। मैंने क्या किया, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज लिए। हाँ आस्था, आई विल रीसेंड इट। या नाउ लिसन, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज लिए। आई विल बी हैविंग लाइक लिथियम, नॉट लिथियम यार, सोडियम। एक बार बताओ, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में नाइट्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, फ्लोरीन लिया, नियॉन लिया, सोडियम लिया, मैग्नीशियम लिया, एल्यूमिनियम लिया। इसके अंदर अभी जो एटॉमिक नंबर है दैट इज योर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। जब एल्यूमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे इसमें से? 10। इसमें से 2 निकाले तो 10। इसमें से 1 निकाला तो 10। तो कुछ नहीं किया, 10 डाला, 10 इसमें 2 डाले, 3 डाले, 10। तो इनके इलेक्ट्रॉन सेम आ गए। यस। नाउ अंडरस्टैंड दैट, तुमको क्या देखना है, ई बाय पी रेशियो, इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन टू द प्रोटॉन रेशियो होगा उतना ज्यादा साइज होगा। गेटिंग इट? यस। दिस इज फॉर विच थिंग? आयंस। टू चेक दिस रेशियो फॉर आयंस। वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। तो एक बार बताओ, ई बाय पी रेशियो, इसमें 10/7 है, इसमें 10/8 है, इसमें 10/9 है, इसमें 10/10 है, इसमें 10/11 है, इसमें 10/12 है, इसमें 10/13 है। तो सबसे ज्यादा ई बाय पी रेशियो किसका? नाइट्रोजन। तो सबसे बड़ा साइज किसका? नाइट्रोजन। वेरी गुड, सब समझाने के बाद गुड़ गोबर कर दिया ना, मतलब आदमी ट्रिक सर बोला ना, नहीं पूछ नहीं सकता। नियॉन को तो मैं भारी लिखूंगा, पूछो क्यों? वैंडरवॉल रेडियस आयनिक से बड़ा होता है। तो नियॉन, उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। यू अंडरस्टूड दैट? यस सर। सो साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बाय एम रेशियो होगा ना? E by P है ना? सही बात है, आपने समझा दिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो E by P रेशियो, कि जितना बड़ा ज़्यादा E by P रेशियो होगा उतना ज़्यादा बड़ा साइज़ होगा, राइट? फॉर आयंस। अच्छा। E रा P रा, E रा P रा, है ना? इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो। बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला E by M नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो कर रहे हैं। अब ये देख रहे हैं कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। पर इलेक्ट्रॉन अगर प्रोटॉन ज्यादा है तो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, साइज और कम है, राइट? ए, समझ में आई बात? सर अब रुको एक मिनट, लिखने दो सर, प्लीज सर। लिखो लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लिखो। ए, ऊपर स्क्रॉल करना है क्या? नो सर, ये लिखो, मासूम से हो तो।
तो फिर साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बाय पी रेशियो ना. हां फॉर आयंस नीचे लिखा है इज्जत देना वैन डर वाल रेडिया को मैंने फिर भी प्रेफरेंस दिया ज्यादा बिकॉज वैन डर वाल अट्रैक्शन बहुत कम होता है साइज और सेपरेशन बिटवीन एटम्स बहुत ज्यादा हाई होता है. सर हाँ नोबल गैस होने का डिसएडवांटेज क्या होता है? मतलब कोई मतलब किस एंगल से डिसएडवांटेज और एडवांटेज की बात कर रहे हैं? मतलब किसी से रिएक्ट नहीं करता वो तो स्टेबल ना इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. अगर वो स्टेबल हो गया तो मतलब एडवांटेज ही है नोबल गैस के लिए. अगर स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है तो अच्छा ही है ना, है ना? हाँ वो तो है. फिर चलो सर चले अभी. Okay, listen. Factors affecting atomic radius. पहला शेल नंबर राइट. नाउ व्हाट विल हैपन टू द शेल नंबर? ग्रेटर द शेल नंबर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन will be farther right from the nucleus bigger will be atomic radius. सर आयोनिक रेडियस ना? एटॉमिक रेडियस की बात चल रही है जिसमें आयोनिक भी आ जाएगा. अच्छा ओके. एटॉमिक रेडियस जनरल एटॉमिक रेडियस की बात कर रही है ठीक है. सेकंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होना चाहिए? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज. ये बताओ ग्रेटर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्मॉलर द साइज. ओके न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर विल बी द अट्रैक्शन बिटवीन ग्रेटर विल बी the attraction between the nucleus and outermost electron cloud. Hence, smaller will be the रेडियस. अभी इतना लिख लो एंड टेक अ ब्रेक. वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास ठीक है.
ओके सर। डन सर। ओके लेट मी नो हाउ मच पार्ट ऑफ लेसन इज देयर इन टू क्लासेस आई विल गेट ओवर टू क्लासेस आई विल फिनिश दैट चैप्टर। Okay, shall we move ahead now, guys? Say yes. Yes. And लिख लिया? क्या ahead जाएंगे? चलो take care. Bye. Bye bye. Thank you, sir. Yeah. Thank you. Thank you so much, sir.